आज विश्व हिंदू परिषद के पास एक मामला आया जिसके अंतर्गत 60 फुट रोड हरिजन बस्ती पर एक बस्ती है, वहाँ पर एक परिवार है जो हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन उसी परिवार के अन्य लोग वो ईसाई धर्म के अनुसार चलते हैं और उन्होंने अभी 1-1.5 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया है। तो जब भी इनके घर के लोग जिन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, जब भी वे पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, माता की रानी की पूजा करते हैं नवरात्रों में करी, तो वो जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना रखा है वो उन मूर्तियों को तोड़ देते हैं, कागज़ के जो देव देवता उनको फाड़ देते हैं। उसके बाद उनसे ये कहा जाता है कि तुम यहाँ अगरबत्ती नहीं जलाओगे, यहाँ पर किस तरह के देव देवता पूजा नहीं करोगे, अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तुम कहीं और जाके करो, और तुम्हें ये जिम्मेदारी जाती है कि तुम 20-25 लोग हमारे साथ जोड़ो ताकि वो ईसाई धर्म अपनाएं। ना तो राम जी का कोई समय कोई चरित्र है, ना राम जी कोई पैदा हुए, ना कभी श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए, केवल प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के मानोगे तो आप इस घर में रहोगे, इस समाज में रहोगे, अन्यथा आपका बहिष्कार कर दिया जाएगा। इन लोगों ने कब से ये धर्म अपनाया? इन्होंने करीब 2 साल से ये ईसाई धर्म अपनाया है, उसके बावजूद इन्होंने चैन बनाई हुई पूरी, और ये इस तरीके से हमारे जो सेवा बस्ती के जो लोग हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के हुए, हमारे जाटा समाज के हुए और जो अन्य समाज हुए, उनको लोगों को निशाना बनाकर ये लोग लोभ लालच देकर कि उनको साड़ी को लालच देते हैं, किसी को मोबाइल का, किसी को खाने पीने का, किसी को महीने में मंथली सिस्टम बढ़ा कर तनख्वाह दे रखी है कि आप अधिक से अधिक हमारा प्रचार करिए और ज़्यादा ईसाई लोगों को बनाइए ताकि हमारे धर्म का प्रसार हो और हिंदू देवी देवताओं का समय समय पर अपमान हो। अब क्या लगता है इनके पीछे, ये खुद ही मतलब ये नहीं, ये बहुत बड़ा रैकेट है और इनको बिल्कुल ऊपर से पूरा संरक्षण मिला हुआ है इस तरीके से कि इनको पूरा पैसा मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनका एक लक्ष्य यही है कि भारत में जहाँ तक हो सके केवल मुसलमान और ईसाई रह जाएं, हिंदू जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होते चले जाएं। क्या नाम है सर आपका? दिलीप मोदी जिला। जी मैं 60 फुट रोड का रहने वाला हूँ अलवर में, और ये मेरे घर का ही मामला है। मेरे घर वाले क्या है कि ईसा मसीह को मानने लग गए 2-3 साल से, और ये क्या है कि हमको भी ना तो पूजा पाठ करने देते हैं, ना अगरबत्ती दिया कुछ भी ना करने देते, ना हवन करने देते, कुछ भी नहीं करने देते हमको। मारते पीटते हैं और कहते हैं कि ये ईसा मसीह पूजो, तस्वीरों को तोड़ देते हैं, मूर्तियों को फोड़ देते हैं, हमारे साथ मार पिटाई करते हैं। कब से मारपीट कर रहे हैं आपके पास? ये जब से इन्होंने ईसा मसीह ये धर्म अपनाया है जब से ही। क्या क्या घर में क्या तोड़ फोड़ करते हैं? अब देखो ये तस्वीर वगैरह सब तोड़ देते हैं। मैं आपने थाने में कोई मुकदमा दर्ज कराया इनके खिलाफ, ये ऐसा कुछ कर रहे हैं आपके साथ? हाँ जी, अभी हाल फिलहाल में ही कराया है। क्या क्या मुकदमा? ये कि ये धर्म परिवर्तन हमारे साथ जबरदस्ती करवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनू है सर। आप आज SP ऑफिस आए हो, यहाँ पर क्या मांग लेकर आए हो? जी इनको मैं तो ये मांग लेकर आया हूँ कि साहब हमको हमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इनको ये है कि क्या नाम से हमारे साथ में ये कर रहे हैं कि जबरदस्ती हमको ये वो करा रहे हैं कि ईसा मसीह को पूजो, तुम ईसा मसीह को पूजो हमारे साथ में। तो हमें तो ये चाहिए कि साहब हम तो अपने देवी देवता को पूजना चाहते हैं, ठीक है, हम तो अपने हिंदू रीति रिवाज से रहना चाहते हैं। हिंदू धर्म अपनाने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, पूजा पाठ हमको कुछ भी नहीं करने देते हैं, तस्वीरों को तोड़ तोड़ कर फेंक देते हैं, हमसे कहते हैं ईसा मसीह को मानो तो रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। कौन लोग हैं? ससुर सास हाथापाई करते हैं। कब से परेशान कर रहे हैं आपको? जी उन्हें 2 साल हो गई, जब से हमको मानने ही नहीं देते हैं, वो खुद ही ईसा मसीह को मानते हैं, बोलते हैं अगर इसको मानते हो तो मानना। आपके साथ में कुछ अलग से कोई दुर्व्यवहार भी किया है इस मामले को लेकर? हाँ जी मारपीट करी थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? रजनी। आपके थाने में कोई मामला दर्ज नहीं करा है? हाँ जी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं करा है, मारपीट करी थी? नहीं करा कराया था, लेकिन फिर भी इनको ही बंद करवा दिया था उन्होंने।